वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शादी समारोह आयोजित करने वाले मैरिज हॉल मालिकों को अवगत करा दिया गया है कि कोविड-19 का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन करें, जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और प्रवेश द्वार पर ही मास्क सैनिटाइजर का प्रबंध करें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति मैरिज हॉल में प्रवेश करता है तो उसके हाथ को सैनिटाइज करें और अगर मास्क लगाकर कोई नहीं आता है तो उसको मास्क उपलब्ध कराकर ही प्रवेश दें। एडीएम सिटी ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए शासन ने 100 की संख्या निर्धारित की है, जिसमें वेटर, फूल माली और अन्य कर्मचारियों की संख्या की गिनती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में 10 वर्ष से छोटे बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को शादी समारोह में शामिल होने की परमिशन नहीं है। इन लोगों को पूर्ण रूप से शादी में शामिल होने पर प्रतिबंध है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शादी समारोह के लिए सभी जो इंचार्ज हैं मैरिज हाउसेस के, उनको बुलाया गया था कि आपकी और लड़की के पक्ष के लोग और लड़के वाले के पक्ष के लोग, तीनों की जिम्मेदारी है कि वो सब तरह से सुरक्षा रखें कोविड-19 के लिए, जिससे कि ये संक्रमण फैल ना पाए। और मैरिज हॉल के इंट्रेंस पर आपको हेल्प डेस्क लगानी है, जिस पर सैनिटाइज़र, ग्लव्स और आपका मास्क उपलब्ध रहेगा। जो भी व्यक्ति शादी में शामिल होने आ रहा है वो बगैर मास्क के हाथ को सैनिटाइज करके प्रमाइसेस में इंटर ना करें। वहाँ पर एक थर्मल स्कैनर भी रखने के लिए निर्देश दिया गया है, ऑक्सीमीटर के लिए भी रखा गया है, जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लिया जाए सैनिटाइज करके उंगलियों को, और अगर उनकी ऑक्सीजन 93% से कम है तो उन लोगों को हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए सलाह दी जाएगी और उन्हें मैरिज हॉल में इंटर करने से रोका जाएगा, ताकि आपका संक्रमण कहीं किसी और को होने ना पाए। सारा होटल का स्टाफ अपने आप को ग्लव्स बदलता रहेगा, जब भी वो जूठे बर्तन उठाएंगे वो ग्लव्स बदल के ही नई थाली और सब नया भोजन परसेंगे, जिससे कि संक्रमण ना फैले। और होटल के कर्मचारी भी अपना जो सारे जूठे बर्तन साफ करता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पीपी किट पहनकर ही डिस्ट्रॉय करेगा, और वो भी ग्लव्स लगाए रहेगा ताकि उसकी भी जान की सुरक्षा रहे। किसी भी परिस्थिति में कोविड को फैलने से रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, 100 की संख्या जो निर्धारित है उसमें क्या है? 100 की संख्या पुरुष वर्ग के लोग और महिला वर्ग के लोग दोनों को मिला के 100 की संख्या तय की है, और उसी के अनुसार ही फंक्शन में लोग अटेंड कर सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के, 10 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को प्रवेश एक तरह से प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि ये सबसे ससेप्टेबल ग्रुप है और इनको किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन ना होने पाए।